13 सीटों पर मतदान चल रहा है और अब तक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तक 11.67% वोटिंग हो चुकी है। सीतापुर में सबसे ज्यादा 14.28% वोटिंग अब तक दर्ज की गई है। शाहजहांपुर में सबसे कम 5.94% वोटिंग, अकबरपुर में 12.16% मतदान हुआ है, वहीं महाराष्ट्र में 14.04% मतदान हुआ है। दौरारा की बात की जाए तो यहां पर 13.96% मतदान हुआ है। इटावा में 7.06% मतदान, वहीं फरुखाबाद में मतदान का जो प्रतिशत अब तक सुबह 9 बजे तक का रहा है वो है 13.15% मतदान। चलिए हरदोई की भी बात कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आ रही है, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कानपुर की बात कर ले, कानपुर में 14.23% मतदान हुआ है और इसके बाद अगली जगह की बात करें तो अकबरपुर है, अकबरपुर में 12.16% मतदान अब तक हुआ है। तो कह सकते हैं सुबह सुबह भी काफी उत्साह है लोगों में, सुबह सवेरे भी लोग पहुंच रहे हैं। शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं, 5.94% यहाँ पर मतदान हुआ है, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 12.21% मतदान यहाँ पर हुआ है। बात करें धौरहरा की तो यहाँ पर 13.96% मतदान हुआ है, वहीं पर 9 बजे तक सीतापुर में 14.28% मतदान दर्ज किया गया है। उन्नाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 11.85% मतदान दर्ज किया गया, वहीं इटावा में 7.06, बहुत कम यहाँ पर मतदान प्रतिशत सुबह 9 बजे तक का है। कन्नौज में भी काफी कम है, 7.84% यहाँ पर भी मतदान दर्ज किया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए बहराइच की तो यहाँ पर ठीक ठाक सुबह 9 बजे तक यानी कि 14.04% मतदान दर्ज किया गया है। तो कुछ जगहों पर 10% से ज्यादा मतदान है सुबह 9 बजे तक का, लेकिन शीनम बहुत जगहों पर खासतौर पर यादव लैंड की इटावा कन्नौज इन सब जगहों पर 7% के आसपास मतदान दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और जिन जगहों पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है वहां पर कह सकते हैं कि सुबह सुबह लोगों ने प्रायोरिटाइज किया वोटिंग को, सबसे पहले वो वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहले लोगों ने वोट डाला जहां पर मतदान प्रतिशत 14% के आसपास है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उन्नाव से बड़ी खबर, राबड़ी गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है, सड़क ना बनने से नाराज हैं ग्रामीण और अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है। बागरमऊ के राबड़ी गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है, यानी कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, जिसके चलते मतदान का बहिष्कार करने का उन्होंने फैसला लिया है। वही कानपुर से भी एक खबर आ रही है जहां पर देहात में ईवीएम ठीक की गई है, टकतौली बूथ पर ईवीएम ठीक किया गया है। करीब आधा घंटा मतदान यहां पर रुका रहा क्योंकि ईवीएम खराब हो गया था, खराब होने की वजह से यहां पर आधे घंटे तक मतदान को रोक दिया गया। ईवीएम जो ठीक होते ही वोटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है, बताया जा रहा है कि अब ईवीएम ठीक है और एक बार फिर से मतदान शुरू हो चुका है। और इस पर बातचीत करने के लिए कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कानपुर में मतदान हो रहा है, आप किस बूथ पर हैं और बताया ये जा रहा है कि एक ऐसा बूथ जहां पर आधे घंटे तक मतदान रुका रहा, उस बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व का हर व्यक्ति साक्षी और भागीदार बनना चाहता है, जिसकी वानगी अब कानपुर में भी देखने को मिल रही है। अभी तक 14% ज्यादा वोट कानपुर लोकसभा में अभी तक पड़ चुके हैं। अगर बात की जाए अकबरपुर की तो अकबरपुर में भी एक ऐसा बूथ था जहां एक ईवीएम का प्रॉब्लम आई थी, 28 मिनट करीब वो बाधित रहा और ऐसे में इसको ठीक कर लिया गया। और मगर जिस बूथ पे हम खड़े हैं आप देखिए कैसे लोग सब काम छोड़ के यहाँ वोट कास्ट करने हैं, क्या महिलाएं क्या पुरुष। अम्मा आपने वोट डाला? जी डाल दिया। डाल दिया? डाल दिया। आपने मैम डाला वोट? जी डाल दिया। आपका तो वोट ही नहीं होगा, वोट डाला आपने? हाँ, क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के, क्या मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ के, क्या समस्याएं क्या हैं यहाँ? बस क्या है, मेरा बेटे पढ़े लिखे हैं बहुत। हाँ। उनकी नौकरी नहीं लगती। अच्छा, नौकरी समस्या आप बताइए। बस यही हमारी नौकरी है। ये पढ़ी लिखी है। अच्छा, आपकी हंसी कुछ कह रही, बता दीजिए, हम पूछेंगे नहीं, चलिए हंस दिया, बता दीजिए। क्या बताए, यही नौकरी की समस्या है, नौकरी। लेकिन अच्छा, काम वाम कुछ दिखा के नहीं, सड़कों पर काम दिख रहा है कि नहीं? हाँ, काम तो सफाई तो दिखती है, सफाई दिखती है। चलिए ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आधी आबादी है अधिकतर लोग यहाँ वोट कास्ट करने आए। सबसे बड़ी कानपुर में इस बार बात जो देखने को मिली, लोगों ने सारे काम। अच्छा, नाश्ता वास्ता किए हो कि नहीं? करके नहा धो के सबसे पहला काम यही किया। चलिए, आपने किया नाश्ता? हाँ, नाश्ता। घर में बाकी लोगों कहेंगे वोट डालने, घर में बैठे रहेंगे? नहीं, सब डाल के आ रहे हैं। अच्छा, आप? हाँ, हमारा भी है। आपने वोट डाला मैम? जी डाल दिया। क्या मुख्य मुद्दे महिलाओं के यहाँ है मैम?
अब ये हम क्या बताएंगे, सही है, सब सही है। देखिए इनका कहना है सब सही है, नहीं सब सही है तो हमने वोट डाल दिया। ऐसे में नीनू जी देखिए सबसे बड़ी बात है मुद्दा क्या है, किसको वोट दिया है, ये इनकी सोच है। अब जब परिणाम आएगा तब चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो न्यूज 18 हर अपने करोड़ दर्शकों से अपील कर रहा है कि अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि यदि आपको अपने जहन में कोई तस्वीर है या कोई चीज बदलनी है तो आपको वोट कास्ट करना पड़ेगा घर बैठ के। न्यूज 18 को आप सेल्फी बेचकर, न्यूज 18 को जो आप जैसे ही आप मतदान करते हैं उसके बाद आप सेल्फी खींचकर भेजते हैं तो स्क्रीन पर आपकी सेल्फी दिखाई जाएगी, जो कुछ सेल्फीज इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। तो न्यूज 18 यही अपील करता है, घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए।